तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। गाइस कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस स्कोर में। और गाइस आज हम बात कर रहे हैं राम सेतु वर्सेस टाइम गॉड मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। गाइस आज इन दोनों ही मूवी का बॉक्स ऑफिस पर है 8वां दिन। और अगर बात करें कि इन दोनों ही मूवी में से कौन सी मूवी ज्यादा कमाई कर रही है, तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इन दोनों ही मूवी की डिटेल्स। और आज हम करने वाले हैं इन दोनों ही मूवी के कलेक्शन का कंपैरिजन। तो गाइज अगर सबसे पहले बात कर ले अजय देवगन सर की मूवी थैंक गॉड की, तो गाइज ये मूवी कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इस मूवी में अजय सर के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह नजर आई है। ये मूवी बनी है इंदर कुमार के डायरेक्शन में, तो वही इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार ने। गाइज मूवी का बजट है लगभग 70 करोड़ रुपए और इस मूवी ने रिलीज से पहले 75 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी और ये मूवी 5 करोड़ के प्रॉफिट में थी। बट गाइज जैसे ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है उसके बाद इस मूवी को इतने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और बेड रिव्यूज होने की वजह से इस मूवी का कलेक्शन इतना खास नहीं आ पाया। कह सकते हैं कि जितनी इस मूवी के कलेक्शन से उम्मीद थी ये मूवी उस उम्मीद पे खरी नहीं उतर पाई है। तो गाइज इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन किया 8 करोड़ 10 लाख रुपए का और वही अपने शुरुआती 7 दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया है 30 करोड़ 85 लाख रुपए का। और अगर आप बात करें आज यानी कि इसके 8वें दिन के कलेक्शन की, तो गाइज इस मूवी की ऑक्यूपेंसी कल से कम है और ये मूवी आज लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर रही है। तो अगर ये मूवी आज 1 करोड़ 50 लाख कमाती है तो इस मूवी का 8 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन आ रहा है 32 करोड़ 35 लाख रुपए, तो वही इंडियन ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 39 करोड़ 30 लाख रुपए और ये मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है 46 करोड़ रुपए का। यस गाइस 8 दिन और 46 करोड़ वर्ल्ड वाइड और इस मूवी को हिट होने के लिए 80 करोड़ रुपए की कमाई करनी थी पर ये मूवी अभी तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने में भी कामयाब नहीं हो पाई है। तो गाइस ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है फ्लॉप। करें अक्षय कुमार सर की मूवी राम सेतु की, तो गाइज ये मूवी एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी में अक्षय सर के साथ जैकलीन, नुसरत भारूचा और सत्यदेव नजर आए हैं। गाइज ये मूवी अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन बनकर तैयार हुई थी, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था लाइका प्रोडक्शन ने। गाइज इस मूवी का बजट है 85 करोड़ रुपए यानी कि इस मूवी को हिट होने के लिए कमाई करनी है 100 करोड़ रुपए की। और गाइज इस मूवी ने रिलीज से पहले रिकवरी की थी 115 करोड़ रुपए की यानी कि ये मूवी रिलीज से पहले ही काफी बढ़िया प्रॉफिट में रही और उसके बाद जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो गाइज इस मूवी के काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आना स्टार्ट हुए और पॉजिटिव रिव्यूज होने की वजह से इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कर ली है काफी ज्यादा बढ़िया कमाई। तो अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइज इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन किया 15 करोड़ 25 लाख रुपए का, तो वही अपने शुरुआती 7 दिनों में कलेक्शन कर लिया है 59 करोड़ रुपए का। और अगर आप बात करें आज यानी कि इसके 8वें दिन के कलेक्शन की, तो गाइज इस मूवी की आज की ऑक्यूपेंसी भी काफी ज्यादा बढ़िया बनी हुई है और ये मूवी आज लगभग 3 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। तो गाइज इस मूवी का 8 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 62 करोड़ रुपए, तो वही इंडियन ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 73 करोड़ रुपए, तो इस मूवी का 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ रहा है 81 करोड़ रुपए। गाइज इस मूवी को हिट होने के लिए कमाने हैं 100 करोड़ रुपए और इस मूवी ने अब तक 81 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो अब देखना यह है कि राम सेतु मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितने दिन और चलती है और हिट का टेक ले पाती है या नहीं। तो गाइज आप लोग देख ही चुके हैं थैंक गॉड मूवी जो है राम सेतु से काफी ज्यादा कम कमाई कर रही है और राम सेतु ने बॉक्स ऑफिस पर कर ली है काफी बढ़िया कमाई। तो गाइज ये थी थैंक गॉड वर्सेस राम सेतु मूवी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूले और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।